नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जैन इंटर कॉलेज करहल, जनपद मैनपुरी से कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 परमाणु संरचना के 6वें व्याख्यान के साथ अध्ययन हेतु आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ। परमाणु संरचना के इस व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे पाउली के अपवर्जन नियम एवं उसके अनुप्रयोग तथा हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम एवं अनुप्रयोग का। पिछले व्याख्यान में हमने क्वांटम संख्याओं का विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें हमने विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याएं कैसे निर्धारित की जाती हैं उनको सीखा। आज के इस व्याख्यान में पाउली के अपवर्जन नियम एवं उसके अनुप्रयोग में हम क्वांटम संख्याओं के पिछले ज्ञान के आधार पर ही इस नियम को और अच्छे से समझेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले पाउली का अपवर्जन नियम। आइए इस व्याख्यान में सबसे पहले अध्ययन करते हैं पाउली के अपवर्जन नियम का। पाउली नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्यवस्था से संबंधित एक सिद्धांत दिया, जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार पाउली ने बताया कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। यदि किसी कारण से एन एल एम अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान अगर समान है भी तो उनके चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात एस के मान में अवश्य भिन्नता होगी। तो पाउली ने क्या बताया कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। उन्होंने इस नियम के द्वारा कोषों, उपकोषों और कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं वितरण की व्यवस्था को भी समझाया। पाउली के अनुसार एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि उन्होंने कहा किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। देखिए कैसे, अगर हम पहली कक्षा के एस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं 1s1 और 1s2, उनके लिए क्रम से क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें तो क्या आएंगे। देखिए 1s1 के लिए पहले हम करते हैं 1s1 के लिए, यानी एस उपकोष के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये एस उपकोष है पहली कक्षा का, तो ये 1 जो यहां आगे एस उपकोष के आगे लिखा हुआ है, प्री में लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, उसके लिए आधार पर हम लिख देते हैं इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या एन बराबर 1। चूंकि एस उपकोष है तो एल बराबर 0 होगा। हम पिछले व्याख्यान में क्वांटम संख्याओं में सीख चुके हैं कि क्वांटम संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती हैं, और एन बराबर 1 है तब भी एल बराबर 0, क्योंकि एल इक्वल टू 0 से लेकर एन माइनस 1 तक, ये सूत्र से। दूसरी बात, सीधा फॉर्मूला हमारा दिख रहा है कि एसपीडीएफ के आधार पर हम एल के मान लिख सकते हैं कि एस के लिए एल का मान सदैव 0 होता है। अब देखते हैं एम बराबर, जब एल बराबर 0 है तो एम बराबर भी 0 होगा, चूंकि एक ही उपकोष है एस, और उस उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है, जैसे पी उपकोष में 3p कक्षक होते हैं, तो एम चूंकि क्वांटम संख्या के 3 मान, एस उपकोष में केवल एक कक्षक है इसलिए केवल एम का एक मान, जिसकी वैल्यू आई 0, इसका परिमाण है 0। तो एस बराबर पहला इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यदि हम आयताकार बॉक्स के अकॉर्डिंग भरें, आयताकार बॉक्स में भरकर दिखाएं, तो ये अप डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या एम का मान तो 0 है, लेकिन तो चक्कर क्वांटम संख्या का मान हम +1/2 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि हम 1s2 के लिए करें, इसके लिए करें 1s2 के लिए करें, देखिएगा तो इसके लिए भी n बराबर 1 आएगा, 1 यहां भी 1 था यहां भी 1। अब n बराबर अगर हम s के लिए करते हैं 0, तो m बराबर भी 0 आएगा, बट s बराबर हम यहां पर बॉक्स बना करके इलेक्ट्रॉन का भराव देख लेते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन तो ये था 1s2 का, 1s2 में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1s2 हम कौन सा मानेंगे, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन 1s2 है, और जो छूट गया है गोले से बाहर वो 1s1 है जो यहां दिखाया। तो 1s2 के लिए जब s बराबर लिखेंगे तो -1/2 लिखेंगे। देखिए आप, ये जो रेड कलर से तीनों वैल्यू लिखी हुई है nlm की, वो इन दोनों के लिए 1s1 और 1s2 के लिए सेम है, ये वाले, ये वाले, किंतु एस के मान में अवश्य भिन्नता आ गई। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत यहां प्रूव हुआ, सिद्ध होता है कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, यानी
एक परमाणु था, जैसे मान लो उसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, 1s 1s 2, यानी 1s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1, l बराबर 0 और m बराबर 0 आया, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही तीनों क्वांटम संख्याओं के मान आए 1 0 0। बट s के मान में भिन्नता आती है, तो पाउली का वर्जन नियम क्या कहता है, हम एक बार फिर क्विक रिवीजन करते हैं कि किन्हीं किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। यदि n l m के मान समान होंगे तो s के मान में अवश्य भिन्नता होगी। इस पाउली के अपवर्जन नियम के आधार पर हम 1s1 2 1s2 के अतिरिक्त अन्य उपकोषों के कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याएं ज्ञात करके यह देख सकते हैं कि उनके n l m और s के मान डिफरेंट आते हैं। यदि कोई तीन मान समान आएंगे भी तो चौथे मान में अवश्य भिन्नता आएगी। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं 2p1 और 2p2 के लिए, यानी 2p उपकोष हमने लिया है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और यहां 2p उपकोष के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। 2p1 के लिए n बराबर आएगा 2, क्योंकि यहां आगे 2 लगा हुआ है तो दूसरी कक्षा है। l बराबर p उपकोष है तो 1, m के तीन संभावित मान होंगे, क्यों, क्योंकि p उपकोष में तीन कक्षक होते हैं 1 2 3। इस प्रकार तो p उपकोष में तीन कक्षक हैं, एक px है, ये py है, pz है। अब हमको ये देखना है कि p1 2p का पहला इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में होगा, px में होगा कि py में होगा या pz में होगा। हुंड के नियम के अनुसार, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि सबसे पहले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े बनाए भरे जाते हैं, युग्मित होकर के नहीं, अयुग्मित होकर भरे जाते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, इसका मतलब m की वैल्यू 2p1 के लिए कितनी होगी, -1। तो हम m बराबर यहां ध्यान रखेंगे, गोले में जो लिखा हुआ है -1 है। अब देखिए अप डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है तो s बराबर दक्षिणावर्त है तो s बराबर +1। ये हमारी वैल्यू आई 1 2 3 और ये चौथी। अब 2p2 में देखते हैं, 2p2 के लिए n बराबर 2, l बराबर 1, ये दोनों मान समान हैं दोनों के लिए, लेकिन नीचे के मानों में निश्चित रूप से भिन्नता आएगी, डिफरेंस मिलेगा देखने को, कि पहला इलेक्ट्रॉन तो आपने वहां देखा था 2p, ये 1 वाला है और ये इलेक्ट्रॉन 2p2 है। यहां यही ध्यान रखना है कि हुंड का नियम यह कहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते थे, ये कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन अपने में रख सकता था, किंतु जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है अयुग्मित होते हुए और समदिश चक्र के साथ, तब तक हम किसी कक्षक में दूसरे इलेक्ट्रॉनों का भराव नहीं करते हैं। अतः यहां हम देख रहे हैं कि हमारे लिए जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी बीच वाले के लिए, यानी ये py में है, किसमें है, py में है, अतः हमारी m की वैल्यू आएगी 0। कितनी आएगी, m की वैल्यू बराबर 0 आएगी और s बराबर यहां भी +1/2 आएगा। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे तीन मान फिर सेम हैं, m का मान सेम ये रहा, l का मान भी सेम, ये देखिए दोनों मान सेम, और s का मान भी सेम है। अब यहां पर m के मान में डिफरेंस आ गया 0 और यहां पर m बराबर -1। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाउली का अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं। अब पाउली के अपवर्जन नियम की सहायता से हम ये जाने कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इस नियम की सहायता से हम यह भी जानेंगे कि किसी उपकोष और कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए इस टेबल के आधार पर, देखिए कोष अगर हम के ले लें, कौन सा कोष ले लें, के कोष, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कोष में इलेक्ट्रॉन पहले तो हम जानते हैं बोर के अनुसार 2 होंगे, क्योंकि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2l² होती है, इसके लिए n का मान 1 तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। लेकिन पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार वितरण को देखते हुए कैसे 2 होंगे, देखिए इसके लिए l के मान कितने होंगे, 1 होगा l का मान, मतलब 1 मान नहीं होगा, वैल्यू तो उसकी 0 होगी लेकिन संख्या मान की 1 होगी, अर्थात l के संभावित मान कौन सा होगा, 0 होगा।
क्या होगा, एल बराबर जीरो होगा, क्योंकि पहली कक्षा में केवल एक उपकोष होता है जिसका नाम क्या होता है, एस उपकोष। कौन सा होता है, उपकोष एस। तो हमने यहां पर लिख लिया एस उपकोष और उसके लिए एल बराबर कितना आया, जीरो। ध्यान से देखिए तो एम बराबर भी जीरो होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ध्यान से देखते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो। कैसे, एक और एक दो। तो उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एस उपकोष में जिसके लिए एल का मान जीरो है, इलेक्ट्रॉन हुए कितने, दो। एक ही कक्षक है तो कितनी संख्या आई, दो। तो के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर दो। अब देखते हैं एल कोष में, एल कोष के लिए एल बराबर दो, तो उपकोष कितने होंगे, दो ही उपकोष होंगे, एक उपकोष होगा एस और एक उपकोष होगा पी। कौन कौन से होंगे, एस भी होगा और पी भी होगा। तो एस के लिए एल की वैल्यू होगी जीरो, तो एल बराबर कितना होगा, जीरो। और इसके लिए पी के लिए एल बराबर कितना होगा, वन। कितना होगा, वन। क्यों, हमने पढ़ा कि एल के दो मान हो सकते हैं, एन के मान जब दो, एन बराबर टू तो एल बराबर जीरो कोमा एक। क्यों, अगर एस उपकोष है तो एल इक्वल टू जीरो, पी उपकोष है तो एल इक्वल टू वन। यहां से हम देखते हैं कि कक्षकों के मान क्या होंगे, एम बराबर ये तो जीरो हुआ और इस एम बराबर जीरो में एस उपकोष है तो एस ही कक्षक होगा, ये। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, दो। अब यहां पर देखें आप, पी उपकोष है तो एम के मान होंगे तीन। क्यों होंगे एम के तीन मान, क्योंकि पी उपकोष में तीन कक्षक, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, छह इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं कक्षक में। यहां पर तीन कक्षक हो गए तो m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू बराबर होगी, यहां से देखें हम, माइनस वन जीरो प्लस वन। एम के तीन मान होंगे, माइनस वन जीरो और प्लस वन। इसका मतलब अब आप इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, पहले तो हम उपकोष में इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इसमें देखेंगे कि उपकोष में पी उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, छह। तो इस पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, छह। ध्यान से देखिए, ये पी उपकोष में। एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दो। कितने हो गए, दो। इन दोनों को मिलाकर इस एल कोष में कितने हो गए, आठ। यही हमने पढ़ा। इस प्रकार हम पाउली के नियम, अपवर्जन नियम की सहायता से कोषों में और उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो एस उपकोष में दो, पी में टोटल छह और किसी एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन दो रह सकते हैं और एल में आठ। अगर हम एम में ज्ञात करें तो एम में भी कर सकते हैं, क्योंकि एम के लिए स्मॉल एल मुख्य क्वांटम संख्या का मान तीन होता है। वहां पर एस होगा उसके लिए एल बराबर तो जीरो ही होगा, पी होगा तो एल बराबर पी उपकोष के लिए हमने पी ऑब्लिक एल लिखा, उसका मतलब जो है पी उपकोष है हमारा। एल इक्वल टू कितना होगा, वन, और जब डी उपकोष होगा तो एल इक्वल टू हमारा होगा टू। यहां हम एम के मान लिख सकते हैं, इसके लिए एम बराबर जीरो, तो बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, दोनों के लिए एम का मान जीरो। पी उपकोष के लिए एम के तीन मान होंगे क्योंकि कक्षक तीन होते हैं, ये रहे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो इनकी वैल्यू आपने यहां लिखी, इसी तरह से यहां लिखेंगे, माइनस वन जीरो और प्लस वन, ये एम के मान है, इसके मान है एन बराबर। तो यहां से एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, पी में कितने, छह। डी में देखते हैं, डी में एम के मान निकालने के लिए डी उपकोष के कक्षकों को बनाएंगे। डी उपकोष में पांच कक्षक होते हैं, कितने कक्षक होते हैं, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। इस प्रकार इस डी उपकोष के लिए क्वांटम संख्या जो एम है, चूंकि उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस दो, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू। ये उसी कक्षक के ऊपर हम एम की वैल्यू लिख रहे हैं जिस कक्षक के लिए है, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी है, दस, इन सबको जोड़िए तो अठारह। इसी प्रकार हम एम कोष के लिए भी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार हम यह जाने कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी एक समान नहीं हो सकते। यदि कभी एन एल एम
या कोई सी तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान हो तो चौथी क्वांटम संख्या के मान में अवश्य भिन्नता होगी, तथा पॉली के वर्जन नियम की सहायता से हम जाने कि किसी कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और तीसरी बात हम जाने कि कोषों और उपकोषों में हम पॉली के वर्जन नियम की सहायता से अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक बात यह, अब हम अध्ययन करेंगे हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम। वैज्ञानिक हुंड ने 1925 में तत्वों के परमाणुओं के उपकोषों के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के सभी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और उनके चक्र समदिश होते हैं। अर्थात हुंड के अनुसार हुंड ने बताया कि जब किसी उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरे जाते हैं और तब तक इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार भरे जाते हैं जब तक समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। जब सभी कक्षकों में अयुग्मित स्थिति में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है तब युग्मित करते हुए इलेक्ट्रॉनों का भराव किया जाता है। देखिए कैसे, मान लो एस उपकोष अगर हम लेते हैं और एस उपकोष के प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए अर्थात केवल जब एस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन हो जिसे हम कहेंगे एस वन, ये वन एस वन हो सकता है, टू एस वन हो सकता है, थ्री एस वन हो सकता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार होगा। अगर हम आयताकार बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को भरे अर्थात आयताकार बॉक्स को कक्षक मानते हुए इलेक्ट्रॉन को भरे तो एस उपकोष में केवल एक कक्षक होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरा जाएगा। जब दो इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में हो तो इलेक्ट्रॉनों का भराव पहला इलेक्ट्रॉन और अब जोड़े बन जाएंगे, जोड़ा बन गया। इसी प्रकार पी उपकोष में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि जब पी उपकोष है तो पी उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन में हम पहले कक्षक में भरेंगे क्योंकि पी उपकोष में तीन कक्षक होते हैं क्रम से पी एक्स, जैसा कि पिछले टॉपिक्स में भी चर्चा कर चुके हैं कि पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं, तो पी एक्स पी वाई पी जेड पी उपकोष में तीन कक्षक होते हैं, उनमें से जब अगर एक ही इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में है तो सबसे पहले पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन खाली है जगह, इसमें दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरा जा सकता है किंतु नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि हुंड के नियम के अनुसार पहले उपलब्ध रिक्त ऑर्बिटलों में अयुग्मित स्थिति में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जब सभी अर्थात इसमें और इसमें दोनों में जब रिक्त ऑर्बिटलों में जब दोनों में इलेक्ट्रॉन एक एक हो जाएंगे तब जोड़े बनाना आरंभ से शुरू करेंगे स्टार्टिंग से, तो इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां है। और जब तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां, और जब चार इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अब युग्मन आरंभ हो जाएगा, यानी अब युग्मन आरंभ हो जाएगा, यहां से जोड़े बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा भरेंगे उसी क्रम से और चौथा इलेक्ट्रॉन ये आया, यहां हमारे जोड़े बन गए और ये हमारा कक्षक पूरा हो गया। अब पांच इलेक्ट्रॉन के होने पर पहला, दूसरा, तीसरा उसी प्रकार, चौथा और ये पांचवा, और जब छह इलेक्ट्रॉन होंगे तब हम इसी प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस प्रकार जैसे हमने एक एक करके इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरा है इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन कक्षकों में भरे जाते हैं। यह बात हुंड ने बताई। हुंड ने जो बातें बताई हुंड के नियम के अनुसार दो बातें और निकल कर आती हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले प्रयास करते हैं कि हम अयुग्मित होकर के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, जब आवश्यक हो जाता है युग्मन होना है तभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। क्यों? क्योंकि पृथक कक्षक में जाने पर इलेक्ट्रॉन पर अंतर इलेक्ट्रॉन ही प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करता, यदि इलेक्ट्रॉन यहीं
तेरा एक था और इस स्थिति में दो है, तो ये इलेक्ट्रॉन यदि यहीं पर भर दिया जाता तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण करता, प्रतिकर्षण बल कार्य करता। क्यों करता? क्योंकि दोनों में समान प्रकार का आवेश है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अतः अलग कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये बल कार्य नहीं करता, अतः इलेक्ट्रॉन अलग कक्षक में जाना अधिक पसंद होता है बजाय युग्मित होने। दूसरा काम, सभी इलेक्ट्रॉनों का एक ही दिशा में चक्कर, यानी इसका एग्जाम्पल लेने आप तीन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन का जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन है, तीनों चक्कर समान है, ऐसी स्थिति में जब एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉनों के चक्कर होते हैं तो उनके ऊर्जा के मान में कमी आती है जिससे अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। अर्थात जब समान चक्र के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी ऊर्जा में कमी रहती है और उनका स्थायित्व अधिक रहता है। जैसे तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये एक अर्धपूरित प्रकार की व्यवस्था है जिनके चक्र समान है, तो इसे स्थायी व्यवस्था मानते हैं अपेक्षाकृत इनकी। इस प्रकार हमने सीखा कि हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार हम उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव कैसे करते हैं और क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहना अधिक पसंद करते हैं। इनके एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे अगर हम 3D9 ये हमने एक एग्जांपल दे दिया, में इलेक्ट्रॉनों का भराव करें तो किस प्रकार से होगा। देखिए डी में पांच कक्षक होते हैं, कितने कक्षक होते हैं? पांच कक्षक होते हैं। तो पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच आयताकार बॉक्स बना करके और हम D9 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। तो D9 है तो आप यहां पर ध्यान रखिए कि सभी कक्षकों में, यानी इस पूरे नियम की सहायता से अगर कोई कहे कि 3D9 में, 3D9 उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? वह प्रश्न का मांगी प्रश्न का आंसर कर रहे हैं कि 3D9 के लिए एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। इस प्रकार हम 3D9 में इलेक्ट्रॉनों का भराव कर सकते हैं, यानी 3D उपकोष के 9 इलेक्ट्रॉनों का भराव कक्षकों में इस प्रकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आएंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। हुंड के नियम की सहायता से हम कौन कौन से और प्रश्नों को हल कर सकते हैं, अर्थात हुंड के नियम के क्या अनुप्रयोग हैं, आइए अध्ययन करते हैं। हुंड के नियम की सहायता से हम उपकोष और उनके कक्षकों के स्थायित्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कि जो पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वे अर्ध पूरित कक्षकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं और अर्ध पूरित कक्षक अपूर्ण कक्षकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। कैसे? जैसे हम देखें 2p3, 2p6 पूर्ण पूरित है तो कौन सा होगा? 2p6। 2p6 कक्षक 2p3 से अधिक स्थायी है और 2p3 कक्षक 2p2 या 2p1 से अधिक स्थायी है। तो इसका भराव भी देख लेते हैं। 2p6 के लिए कैसे भराव किया जाता है, ये इसके लिए देखेंगे तो तीन कक्षक बनाएंगे ये, और इसके लिए देखेंगे तो भी तीन कक्षक बनाएंगे। इस प्रकार भराव कैसे किया जाएगा देखते हैं। अगर 2p6 है तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, ये छठवां, इसमें सभी कक्षक युग्मित होकर जोड़े बनाकर और सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, अतः यह स्थायी व्यवस्था है, ये कक्षक अधिक स्थायी है। अब देखते हैं 2p3। 2p3 में इलेक्ट्रॉन, हमने आपको बताया कि पहले अयुग्मित होकर के सभी रिक्त ऑर्बिटलों में कक्षकों को भराव होता है, फिर जब सभी कक्षक पूर्ण में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उनका युग्मन आरंभ होता है। अभी युग्मन की आवश्यकता नहीं है, इन तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तीन कक्षकों में तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये अर्ध पूरित व्यवस्था कहलाती है क्योंकि हाफ फिल्ड है ये, तो ये व्यवस्था पूर्ण पूरित कक्षक की अपेक्षा थोड़ी कम स्थायी होती है किंतु इसकी अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। इसको भरेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन, तो इस यहां पर हमने क्या जाना कि ये व्यवस्था थोड़ी सी अधिक स्थायी और ये बहुत स्थायी होती है। तो हम उपकोषों के स्थायित्व को व्यक्त कर सकते हैं हुंड के नियम की सहायता से उनके इलेक्ट्रॉनों के भराव के द्वारा। अब आती है बात कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी उपकोष में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे यह बात हम हुंड के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? इनके लिए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से मिलते हैं। तो पहले मैं एग्जाम्पल हम पहला ले लेते हैं, चलिए 4F3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन,
होल एफ थ्री उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे हम 4F3 में। देखिए इसके लिए क्या है, हुंड के नियम के अनुसार 4F3 कक्षक में या 4F3 उपकोष में हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव करेंगे। तो F में 7 कक्षक होते हैं, आपने पढ़ा है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां। 4F3 है तो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चार खाली रहेंगे। यहां तीन के तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हम लिखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 3। यानी हुंड के नियम के अनुसार अगर हम इलेक्ट्रॉनों का भराव करें तो हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को गिन सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में भी आते हैं। आप इनको अच्छे से आंसर दीजिएगा। अगर परीक्षा में आता है तो 3D7 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मान लो पूछे गए तो कैसे याद करेंगे, इसके लिए भी 3D7 के बॉक्स बना दीजिए। आप डी है तो अब की बात एफ नहीं है डी है, तो पांच कक्षक होंगे, कितने होंगे 5। पांचों कक्षकों में आप इलेक्ट्रॉनों का भराव करिए क्रम से, तो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा और ये 7 हमने भर लिए 7 इलेक्ट्रॉन। अब अयुग्मित कितने हैं उनको गोले बनाकर गिन लीजिए, 1 अयुग्मित 2 अयुग्मित 3 अयुग्मित, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 3, कितने आए 3। तो इस प्रकार हमने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की। तो परमाणु संरचना के आज के इस व्याख्यान में हमने हुंड के नियम और पाउली के अपवर्तन नियम का अध्ययन किया। आशा है आपके ये दोनों सिद्धांत हुंड का नियम और पाउली का अपवर्तन नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। समुचित उदाहरणों के द्वारा आपको विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के भराव को समझाया गया, उसी के आधार पर कुछ गृह कार्य आपको दिया जा रहा है, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। पहला प्रश्न है निम्नलिखित उपकोषों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं ज्ञात करें। ये आपको 3p4, 4d6 और 2p3 इन्हें आप कर सकते हैं, इनके एग्जाम्पल्स आपको कराए गए हैं, आप करिए। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए पाउली के अपवर्तन नियम के चार्ट में बताया गया है, l व m के संभावित मान लिखिए। क्वांटम संख्या के आधार पर भी कर सकते हैं, पाउली के अपवर्तन नियम के आधार पर भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों को हल करें और दीक्षा ऐप डाउनलोड करके इस अध्याय का अध्ययन करें। साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को बार बार देखिए। आप निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के हल कर सकेंगे, उत्तर दे सकेंगे। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद।